हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर। मैं हूँ आपका टेक गुरु। आज वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, मतलब ऑफिस में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। मगर आज थोड़े अभी कमेंट पढ़े मैंने। कभी कभी लगता है किन पागलों के बीच में मैं पड़ गया हूँ, क्योंकि मैं इतना बताता हूँ आप लोगों को कि एजेंट के पास मत जाओ, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। दुबई जॉब के लिए किधर कहाँ भी आपको किसी ने भी पैसा मांगा तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। मगर कुछ लोग हैं जिनके पास शायद बहुत पैसा है, उछल रहा है पैसा उनके पास। तो अभी एक बंदे ने मुझको कमेंट में लिखा था कि सर 2 साल का वीज़ा कितने में मिलता है। मैंने बोला कि भाई 2 साल का वीज़ा कंपनी देती है। तो उसने अगली कमेंट डाली कि सर 2 साल का वीज़ा कितने में बनता है। मैंने बोला कंपनी भरती है उसका पैसा, आपको नहीं भरना पड़ता है, फ्री होता है वो कंपनी की तरफ से। उसने बोला पैसा कितना लगता है। मैंने बोला उसको 1.5 लाख लगता है। ओके, 1.5 लाख इंडियन रुपीज। तो उसने मुझे नेक्स्ट कमेंट डाली, सर इतना पैसा कंपनी कैसे पे करेगी, हमको भी देना पड़ेगा ना। मतलब वो बंदे के पास बहुत पैसा है, उसको उछल रहा है उसका पैसा। भाई लोग, कभी कभी लगता है कि मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। किन लोगों के साथ पाला पड़ा है, मतलब गुस्सा आता है कभी कभी, और फिर खुद पर हंस देता हूँ। मेरा नाम मैं चेंज करके शायद पागल गुरु लग दूँ कुछ दिनों के बाद क्योंकि मैं रिपीट यही कहता हूँ कि दुबई जॉब के लिए कहीं पे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको देना है, मेरा अकाउंट नंबर देता हूँ, मेरे इस पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम लोग कुछ तो चैरिटी करेंगे, ठीक है। रियल में किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर मैंने पहले वीडियो से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो वो पर्सन फेक है। कल तो मुझे ऐसा शॉक लगा दोस्तों, एक भाई है, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उन्होंने मुझे ईमेल किया कि सर एजेंट ने मुझको वीज़ा दिया है तो प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिए। तो उसने मुझे ईमेल किया था उसका वीज़ा दोस्तों, ठीक है। मुझे ऐसा शॉक लगा दोस्तों कि वो वीज़ा फेक था, फेक। मैंने वो वेरीफाई किया दोस्तों, तो वो वीज़ा फेक निकला, फेक। मतलब इतना शॉक लगा दोस्तों मुझे, वो मैंने वेरीफाई करके देखा। मतलब इंडिया में, मतलब कहीं पे भी ये एजेंट लोग सिर्फ आपसे पैसे निकालने की तरकीब निकाल रहे हैं। वो बंदे को फेक वीज़ा दिया, फिर उसको बोलेंगे कि मेडिकल में अटका है, ये रह गया है, वो रह गया है, दे दो पैसा दोस्तों। कोई इसलिए मैंने ये चैनल इसलिए खोला है कि आपका गाइडेंस हो। कुछ चीज़ें बहुत लोगों को पता ही नहीं है, तो वो चीज़ें मुझे लगे कि मैं इस चैनल के जरिए से आप सब लोगों को भेज दो। तो फिर वो रिपीट क्वेश्चन आप क्यों करते हो? आप पहले से मेरे सारे वीडियो देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। फिर हाथ जोड़ कर मैं विनती करता हूँ सब लोगों से। मेरे ऑफिस में हूँ मैं, अभी काम कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त लोग भी मतलब बोल रहे हैं, छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ कर सब लोगों को अभी बोलता हूँ, ये देख लीजिए दोस्तों, पैसा देने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है। दुबई जॉब फ्री में लग जाती है, एजेंट लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। फिर ऐसे अगर क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछे कि एजेंट 50,000 मांग रहा है, 1 लाख रुपए मांग रहा है, मुझे कमेंट मत कीजिए, मैं ब्लॉक कर दूंगा ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है जो जो बीच वापस वही क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है यार। पागल हो क्या आप लोग? क्या मैं पागल हूँ? मैं ये वीडियो बना के टाइम निकाल के ऑफिस में बैठ के, मुझे काम धंधे नहीं है कुछ दूसरे, कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आप वही क्वेश्चंस पूछते हो। मैं फाइनली आपको बोल देता हूँ कि दुबई जॉब के लिए कहीं पे पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा ये चैनल इसलिए ही है कि आपका मतलब अवेयर हो, आपको सतर्क हो, आपको पता चल जाए कि
दुबई जॉब्स के लिए पैसा नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है? आपको अगर कोई एजेंट वीज़ा देता है, कुछ भी देता है, तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं वेरीफाई करके बता देता हूँ। तो प्लीज़ 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 आप आगे से किसी एजेंट के पास मत जाइए, ठीक है? अगर ऐसा कोई मुझे बंदा लगा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, वो आगे मेरे वीडियोस नहीं देख सकेगा। और मैं ऐसे बंदों को भी ब्लॉक करने वाला हूँ जो मुझे बार बार एजेंट के बारे में पूछते हैं। मैं एजेंट नहीं हूँ, ठीक है? मैं आपको सतर्क करने के लिए ये चैनल बनाया, ठीक है? चलो काम करता हूँ, मिलेंगे फिर फ्राइडे को लाइव सेशन में। आपके कुछ भी सवाल हो तो लिख लीजिए अभी भी कहीं पे, मिलते हैं फ्राइडे फिर। चलो, ऑफिस में वो अभी काम करता था, बीच में बना डाली वीडियो। टेंशन ना पे यार दोस्तों, ये क्या है, वही वही क्वेश्चंस पूछते हो आप लोग। मुझे मतलब गुस्सा ये आ गया कि ये बंदे ने अभी ये कमेंट, मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ कमेंट क्या थी। मैंने वो बंदे को कहा कि 1.5 लाख लगता है खर्चा, कंपनी पे करती है, ठीक है? तो उस बंदे ने मुझे कमेंट क्या कर, देखो दोस्तों, सर सर कंपनी फ्री में ही थोड़ी दे देगी। यार यहाँ पे काम करने के लिए बंदे नहीं होते, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के, अभी मैं पूरा नहीं बताना चाहता हूँ, मगर यहाँ के लोग नहीं काम करते हैं, इसलिए तो बाहर से लोग मंगाते हैं, ठीक है? तो ये 1.5 लाख रुपए ये खर्चा इनके लिए कुछ नहीं है, इतनी बूंद भी नहीं है दोस्तों। मैं नहीं, यहाँ पे सब लोगों के लिए कंपनी 1.5 लाख खर्चा करती है, वो फ्री होता है, कंपनी के वजह तरफ से होता है, ठीक है? तो ऐसे सवाल मत कीजिए, मैं बताता हूँ, मैंने मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस से ही मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, ठीक है? आगे से अगर किसी ने भी मुझे मैसेज किया, सर एजेंट 50,000 मांग रहा है, 1 लाख रुपए मांग रहा है, उस बंदे को मैं कमेंट में रिप्लाई तो नहीं करूँगा, उसको ब्लॉक कर दूँगा, ठीक है? कि कुछ भी बाकी क्वेश्चन हो मुझे पूछे, जो लोगों ने मुझे CV भेजे सब प्रोसेस में, डोंट वरी, पर्सनली पूछने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बहुत CV है, टाइम लगता है थोड़ा रिप्लाई करने में, ऐसा नहीं कि मैंने रिप्लाई नहीं किया तो आपका CV पेंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सबका काम हो जाएगा। मेरे हिसाब से जितना बनता है मैं हेल्प कर रहा हूँ सब लोगों की, तो आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं फ्राइडे, बाय बाय। हाँ, इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। ये शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो एजेंट के पास जा रहा है, जो एजेंट के पास पैसे उसके फंस गए हैं, ये वीडियो उनके पास भेज दीजिए, ज़रा उनका दिमाग खुल जाए। चलो बाय बाय।